हाय स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया है सीए स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीए कोर्स में एंट्री लेने की सोच रहे हैं। तो उसमें देखो, सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो आया है वो ये है कि अभी तक जो सीए में फाउंडेशन जो कोर्स होता है उसमें जो रजिस्ट्रेशन होते थे वो ट्वेल्थ की एग्जाम देने के बाद में उसमें रजिस्ट्रेशन होता था, और जो पहला एग्जाम होता था वो होता था नवम्बर, यानी मार्च में बच्चा सीए मार्च में ट्वेल्थ के एग्जाम में पेपर होता था, और उसके बाद में जो नवंबर का मंथ हुआ है उसमें जो एग्जाम होती थी उसमें सीए फाउंडेशन के एग्जाम लगते थे, यानी सिक्स मंथ का गैप होता था। लेकिन अब जो नया अमेंडमेंट आया है उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली पहली बात तो है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा सकता है टेंथ की एग्जाम क्लियर करने के बाद में सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। यानी कुल मिला के जो स्टूडेंट अभी इलेवंथ में पढ़ रहा है वो भी सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और जो ट्वेल्थ में है वो भी सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और दूसरा जो एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, तो जो बच्चा मार्च में एग्जाम देगा ट्वेल्थ की, वो कमिंग मई जून में जो एग्जाम होगी उसमें सीए फाउंडेशन में अपेयर हो सकता है, यानी दो महीने के गैप में सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अपेयर हो सकता है। तो उससे स्टूडेंट के सिक्स मंथ का जो है वो टाइम सेव हो जाएगा, यानी छः करने में अभी जो टाइम लगा था उसके मुकाबले में सिक्स मंथ्स का टाइम कम लगेगा। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। तो अनाउंसमेंट हम देखते हैं तो देखो, सबसे पहले ICI.org वेबसाइट पर जाते हैं हम, तो यहाँ पे नीचे मिलेगी आपको इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। इस इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हम क्लिक करते हैं तो देखो ये आ रहा है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन कोर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आफ्टर पासिंग क्लास टेंथ। तो जो आ गया, ये पूरी जो आ गई है इसमें बता रहा है कि स्टूडेंट्स जो अभी क्लास ट्वेल्थ में अपेयर होंगे वो स्टूडेंट अगर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, यानी ये जनवरी फर्स्ट या उससे पहले जो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे वो स्टूडेंट्स कमिंग मई जून में सीए फाउंडेशन में अपेयर हो सकते हैं। यानी अभी जो फर्स्ट जनवरी तक जो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे स्टूडेंट वो मार्च में ट्वेल्थ के एग्जाम में अपेयर होंगे और मई जून में सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अपेयर हो जाएंगे। लेकिन अब जो मई 21 का जो एग्जाम आएगा, मई या जून 21 में जो होना है, उस मई जून 21 में जो एग्जाम होगा उसके लिए सीए स्टूडेंट को फर्स्ट मई 21 तक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर मार्च में वो ट्वेल्थ के एग्जाम देंगे और उसके बाद में मई जून में उनकी सीए फाउंडेशन की एग्जाम हो जाएगी। जब मई 21 में उनके सीए फाउंडेशन की एग्जाम हो जाएगी तो उसके एक साल बाद मई 22 में वो इंटरमीडिएट में अपेयर हो सकते हैं, यानी सिक्स मंथ का टाइम सेव हो गया। लेकिन उसका बेनिफिट जब मिलेगा आपको, जब फर्स्ट जनवरी तक आप सीए फाउंडेशन में प्रोविजनली रजिस्टर्ड कर देंगे। लेकिन आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम में एलिजिबल बैठने का क्राइटेरिया है वो है कि ट्वेल्थ की एग्जाम में अपेयर हो चुका होना चाहिए। तो इससे आपके दो मेजर अमेंडमेंट आए हैं, एक तो है कि जो पहले ट्वेल्थ के बाद में रजिस्ट्रेशन होते थे सीए फाउंडेशन में वो टेंथ के बाद में करा सकते हैं, और दूसरा जो एग्जाम में अपेयर होते थे स्टूडेंट नवंबर में उसके बजाय अब वो स्टूडेंट उससे पहले सिक्स मंथ पहले यानी मई जून की एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए, सिक्स मंथ का टाइम सेव हो रहा है। तो आप इस चीज़ को नोट करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू।